बस्तर जिले में मारडूंग थाना क्षेत्र के ग्राम मारी कोडर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में सपरिवार शामिल होने आए रेखा घाटी कैंप थाना मारडूंग के पदस्थ आरक्षक नेवरी बेजाम को मारी कोडर आश्रम के पीछे कार्यक्रम स्थल पर गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। कांकेर जिले के पखांजू थाना क्षेत्र में बस्तर फाइटर बनवाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। साथी ठग अपना रसूख दिखाने के लिए प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो फेसबुक पर पोस्ट किया करता था। नौकरी लगवाने के नाम पर युवाओं से पैसे ऐंठता था। नहीं, बदले में उनको फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार की दोपहर भिलाई 3 SBI के सामने खड़ी गाड़ी की डिक्की से किसी ने 1.5 लाख रुपए पार कर दिए। CSP छावनी प्रभात कुमार ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चरोदा निवासी पवन कुमार गुरुवार दोपहर 12 बजे के करीब SBI बैंक पदुम नगर भिलाई 3 से 1.5 लाख रुपए निकाले और रुपए गाड़ी की डिक्की में रख दिए थे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि डिक्की में रुपए नहीं थे। रायगढ़ की खरसिया थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में फरार दो आरोपी सुशांत पटेल उर्फ छगन व राम कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर एक अन्य आरोपी की तलाश तेज कर दी है। आरोपी ट्रैक्टर को 17,000 रुपए में बेचने की फिराक में थे। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मान होटल चौक के पास स्थित दुचकी तालाब के किनारे दोपहर में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस सूचना मिलते ही पेट्रोलिंग टीम के साथ मौके पर पहुंची। आसपास पता की गई। ऐसी जानकारी मिली कि उक्त युवक लगभग 18-19 साल का है और नशे का आदी था। दिमागी रूप से भी कमजोर था। बस्तर जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुजला के पास राहुल तिवारी ग्राम चपका निवासी 3 लोग भानपुरी से चपका जा रहे थे। रास्ते में विक्की ढाबे के पास वाहन अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया, जिससे वाहन सवार घायलों को तत्काल सिविल अस्पताल भानपुरी उपचार के लिए लाया गया। बिलासपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 15 से 20 लोगों से लगभग 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर फरार होने वाले मोहन नगर दुर्ग निवासी थानेश्वर प्रसाद को हरिद्वार के शांति कुंज आश्रम से गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर की तेलीबंद थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित कबीर फाइनेंस कंपनी के संचालक पुरुषोत्तम मानिकपुरी के खिलाफ की गई शिकायत के आधार पर लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में दो आरोपी पुरुषोत्तम मानिकपुरी व टीका शंकर सिदार को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से कबीर फाइनेंस की सील मोहर विशिंग कार्ड लेटर पैड और इकरारनामा व अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। कोरबा जिले में SECL दीपका खदान स्थित साइलो में देर रात NTPC सीपत जाने वाली CHP साइलो के बेल्ट नंबर 15 के शॉर्ट चेंज करने के दौरान कटिंग का काम चल रहा था, तभी साइलो के शट लाइनर में ओवरहीट होने के कारण आग लग गई। रायगढ़ की चकथर नगर थाना पुलिस ने सब्जी बेचने वाली महिला के ठेले में आग लगाकर क्षति पहुंचाने वाले आरोपी युवक मोन्टू उर्फ राजकिशोर भुइयर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव जिले के पुलिस ने भोले भाले ग्रामीणों से आधार लोन दिलाने के नाम पर 2,17,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपी सुनील यादव निवासी पेंडरी कला थाना दुमका जिला दुर्ग को उसके गृह ग्राम में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गुंडरदेही कलंगपुर मुख्य मार्ग पर खल्लारी नाला के पास पेड़ से टकराने के बाद कार पलट गई। सवार सियनमरा निवासी प्रदीप साहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके 3 दोस्त घायल हैं, जिन्हें धमतरी रिफर किया गया है। कार में कुल 4 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य के सरहदी इलाकों में माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में एक युवक को मौत की सजा दी है। माओवादियों ने युवक का अपहरण कर उसे मार डाला। धारदार हथियार से शरीर में करीब 20 से ज्यादा वार किए गए। हत्या कर शव को गांव में ही फेंक दिया गया।
महासमुंद जिले में सिंघोड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटाखों से भरी एक बुलेरो वाहन जब्त की है। हरीश कुमार सोनकर और केशव राम सोनकर रायपुर से पुलिस ने 11,800 रुपए नकद और 9,56,160 रुपए पटाखे समेत गाड़ी जब्त की है। महासमुंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान अंतर राज्य व अंतर जिला से आने वाले धान के परिवहन पर अंकुश लगाने बनाई गई जांच चौकियों में कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में चौकी भंवरपुर क्षेत्र में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 37 कट्टा धान के साथ पिकअप जब्त किया गया है। चोरी की फॉर्च्यूनर कार को बेचने की फिराक में ग्राहक तलाश रहे 5 आरोपियों को थाना सिंघोड़ा की पुलिस ने मुरुखपुरी में एक ढाबे के पास मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से जब्त गाड़ी की कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए सभी आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।